Morning students, how are you? I hope you all are fine at your home with your parents. Students, before examination, we have completed our chapter 7 in English first, and today we'll do our chapter 8. Okay, it is a poem. Okay, students, how is your examination? Hope you did well in, in your examination. Okay, so let's start. Chapter a The Vulture. Written by Hilary Baylock. Okay. Its poet is Hilary Baylock. But Hilary Baylock is a British French writer. Okay. Uh, so in this poem, the पोएट टोल्ड अस अबाउट वल्चर ओके वल्चर इज़ द बिगेस्ट बर्ड एंड इट रेस्टें वल्चर कैसा होता है इसमें हमें पोम पोएट uh, ने वल्चर के बारे में बताया है कि वल्चर कैसे होते हैं तो वल्चर एक बहुत बड़ी बर्ड होती है और वो बहुत गंदा होता है उसकी एक पतली सी गर्दन होती है और वो सर पर बाल नहीं होते हैं और वो ज़्यादा ज़्यादा ऊँचा नहीं उड़ पाता है ओके सो लेट्स स्टार्ट द वल्चर ईट्स बिटवीन हिज मील्स मीन्स कि जो हम लोग क्या है हम हमारे मील्स होते हैं मील्स मीन्स ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हम ये तीनों टाइम खाना खाते हैं बट ये जो वल्चर है ये मील्स के बीच में भी खाना खाता है ओके okay? मीन्स उसको कभी भी कुछ भी मिल जाए तो वो खा लेगा देन एंड दैट्स द रीज़न वाई और यही रीज़न है कि ही वॉज वेरी वेरी रियरली फील्स एज एज वेल एज यू एंड आई यही कारण है कि जैसा हम लोग महसूस करते हैं वल्चर महसूस नहीं कर पाता है ओके हिज आईज इज़ डल हिज हेड इज ब्लेड मीन्स उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत डल हैं और उसका जो हैड है वो बिल्कुल ब्लैड मीन्स गंजा है बेल्ट मीन्स गंजा एकदम उसके सर पर कोई बाल नहीं है हिज नैक इज़ ग्रोइिंग थीनर मीन्स उसकी जो गर्दन है वो पतली होती जा रही है ये देखिए उसकी गर्दन कैसी हो रही है पतली हो रही है ओ वाट आर लेसन फॉर आस ऑल टू ओनली ईट एट डिनर मीन्स कि ये हमारे सभी के लिए लेसन है कि हमें बार बार नहीं खाना चाहिए जितना जैसे हम अपने मील्स लेते हैं हमें उसी तरह से अपने मील्स लेने चाहिए ओके okay? और इसमें लिखा है टू ओनली एट ईट ए डिनर या फिर हमें केवल एक रात का ही खाना खाना चाहिए ओके स्टूडेंट्स तो रीड दिस पोएम एट योर होम बाय बाय टेक केयर थैंक यू